आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस आर्ट चैनल पे। पिछले ड्राइंग में मैंने आपको रोज़ बनाना सिखाया था और इस ड्राइंग में मैं आपको उसी रोज़ में कलर करना सिखाऊंगा। तो ये रहा मेरा वो पुराना वाला ड्राइंग, इसके ऊपर मैंने स्केच पेन चला लिया है। अगर आप एक बिगनर है तो आप ज़रूर स्केच पेन चला लें। अगर आप एक बिगनर है तो आपको स्केच पेन ज़रूर चला लेना चाहिए, इससे आपके आउटलाइंस अच्छे से नज़र आएंगे। ये एक नॉर्मल सा मैंने यहाँ पे ऑयल पेस्टल यूज़ किया है, 25 सेट कैमल वाला। आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास हो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्राइमरी रेड कलर यूज़ किया है शेडिंग के लिए। तो सबसे पहले मैं इसके पिटल्स में बनाऊँगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो कलर है वो स्केच पेन में टच हो और बिल्कुल भी वाइट वाइट ना नज़र आए बॉर्डर के पास। ये आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। तो सबसे पहले मैं डीप करके एक टोन दे रहा हूँ और इसके बाद मैं फिर लाइट लाइट करके फिर दूसरा टोन दूंगा। और इसके बाद हम सेकंड कलर कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये डीप टू लाइट करना हमें हमेशा याद रखना है। जब भी हम कलर करेंगे तो ये डीप टू लाइट पोर्शन ज़रूर करेंगे। तो ऐसे करके मैं हर एक लीफ पेटल्स में करने जा रहा हूँ। ये डीप, फिर धीरे धीरे करके लाइट, फिर ऐसे करते करते नेक्स्ट पेटल में। वाइट वाइट बिल्कुल नहीं दिखने देना है आपको बॉर्डर के पास। तो ये पूरा डीप टू लाइट करने के बाद अब मैं करूँगा लाइट कलर। ये मैंने यूज़ किया है वर्मिलियन ह्यू, आप देख सकते हैं। तो इसके जगह आप ऑरेंज भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे वर्मिलियन यूज़ किया है। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, रेड के ऊपर, सबसे पहले रेड के ऊपर अच्छे से फिल करेंगे। उसके बाद जितने भी वाइट पोर्सन है उसको भी अच्छे से फिल कर देंगे अप एंड डाउन पोजिशन का यूज़ करके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे सारे वाइट पोर्शंस को फिल करने की कोशिश कर रहा हूँ और ऐसे करके हम सभी पेटल्स में वाइट पोर्शंस को फिल करेंगे धीरे धीरे। तो जल्दी ही हमारा लाल लाल टमाटर की तरह रोज़ तैयार हो जाएगा। तो जब तक तैयार होता है हमारा रोज़, तब तक मैं आपको एक सीरियस बात बताना चाहता हूँ। तो जैसा कि आप सबको न्यूज़ पता ही है कि पूरी दुनिया में कोरोना का कहर है, तो कोरोना से बचने के बहुत सारे उपाय भी हैं। उनमें से एक उपाय ये भी है कि आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाल रंग को अपनी ज़िंदगी से दूर कर देना है। तो इसके लिए आप नीचे के लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा के ग्रे कर दीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। खुद भी बचिए और अपने पहचान वालों को भी बचाइए। तो वापस आते हैं फिर अपने ड्राइंग पे। तो मैंने जितना हो सके सारे वाइट पोर्शंस को भरने की कोशिश की है। रोज़ में कलर करने के बाद मैं लीफ में कलर करूँगा। इसके लिए मैंने प्रूशियन ब्लू का यूज़ किया है और इसके बाद मैं हल्के हल्के डीप ग्रीन और लाइट ग्रीन से भी शेड करूँगा। लीफ की एक साइड में डार्क पोर्शन बनाना है और अदर साइड में लाइट पोर्शन बनाना है। तो पहले मैंने प्रूशियन ब्लू से डीप टू लाइट किया है शेडिंग। डीप टू लाइट पोर्शन हमेशा करना है हर जगह। तो लीफ के लेफ्ट साइड में डीप करना है और राइट साइड में लाइट करना है। तो डीप टू लाइट मैं प्रूशन ब्लू से कर रहा हूँ हर एक लीफ में। तो ब्लू करने के बाद अब मैं डीप ग्रीन का यूज़ करूँगा। डीप ग्रीन को भी रेड की तरह ही करना जैसे हमने
रेड के ऊपर ऑरेंज चलाया था, वैसे ही डीप ग्रीन को हम लोग ब्लू को पूरे अच्छे से ढकेंगे, ब्लू के ऊपर अच्छे से चलाना है, और उसके बाद जितने भी वाइट पोर्शंस है उसको ब्लू ग्रीन से अच्छे से भर देना है, और मेक श्योर कि वाइट वाइट पोर्शंस ना दिखाई दें। तो लीफ के एक साइड में मैंने ब्लू को पूरा ढक दिया है और जितने भी वाइट पोर्शन थे उनको भी भर दिया है, और फिर लीफ के दूसरे साइड में भी डीप टू लाइट करना है ताकि ग्रीन के बाद हम लाइट लाइट ग्रीन का भी यूज़ कर पाएँ। तो यही मैं फिर हर एक लीफ के साथ करूँगा। तो डीप ग्रीन करने के बाद अब बारी है लाइट ग्रीन की। तो लाइट ग्रीन को वही सेकंड सेकंड पोर्शन में करना है हमें, लीफ के सेकंड साइड में। सबसे वही ट्रिक है, ग्रीन को अच्छे से ढकना है और फिर जितने वाइट पोर्शंस है उसको अच्छे से फिल कर देना है। यही आपको हर एक लीफ के साथ करना है, सारे वाइट पोर्शंस को अच्छे से फिल करना है, खासकर बॉर्डर्स के पास। पूरा कलर करने के बाद आप देखेंगे कि जो स्केच पेन का ब्लैक लाइंस थे उनके ऊपर भी कलर चल गया, तो इसके वजह से वो आउटलाइंस अच्छे से नज़र नहीं आएंगे। तो इसके लिए आप पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं, कोई भी पेंसिल लेके उन स्केच पेन के ऊपर आपको चला देना है, जिससे वो ब्लैक स्केच पेन के लाइंस फिर से उभर के आने लगेंगे। तो हमारा रोज़ बिल्कुल कलर होके रेडी हो गया है। तो जो जो रंग यूज़ किया हूँ मैंने उसको मैं साइड में रख देता हूँ। अरे अरे ये क्या, ठीक है। अरे कहाँ गया ये रहा। उसके बाद डीप ग्रीन, फिर लाइट ग्रीन, उफ हाँ अब ठीक है, परफेक्ट। तो मेरी ड्यूटी ख़त्म, अब आपकी ड्यूटी शुरू। अब आप करिए,